तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। वायट फैमिली के सदस्य ल्यूक हार्पर का हुआ निधन, लेसनर का नया फोटो आया सामने, और क्यों रॉयल रंबल में नंबर एक पर आने वाले हैं डेनियल ब्रायन, सब चीज जानेंगे इस खास अंक में। तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं सभी न्यूज अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बुरी खबर के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है, दरअसल ल्यूक हार्पर का निधन हो गया है। ल्यूक हार्पर WWE के पूर्व रेसलर थे और वर्तमान में ऑल एलिट रेसलिंग में थे। वर्तमान में 41 साल के ल्यूक हार्पर का निधन बीते कल यानी 26 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। WWE में वाइट फैमिली का हिस्सा रहे ल्यूक हार्पर ने काफी बढ़िया काम किया था। अब इनका निधन कैसे हुआ इस मामले में यही बताया जा रहा है दोस्तों कि के फेफड़ों में कुछ समस्या हो गई थी। इसके चलते लंबे समय से इनका इलाज भी अस्पताल में चल रहा था। WWE को छोड़ने के बाद यह ऑल एलिट रेसलिंग में थे दोस्तों, जहां इन्हें बोर्डी ली के नाम से जाना जाता था। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं दोस्तों कि मृत आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में इनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति मिले। वहीं बात करें बीस्ट यानी ब्रॉक लेसनर की, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि लेसनर रेसलमानिया 36 के बाद से टीवी पर नजर नहीं आए हैं। अब ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ उन्हें हार का सामना तो करना पड़ा था, पर उसके बाद लेसनर की वापसी का इंतजार फैंस जी जान से कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही हमें ब्रॉक लेसनर का एक और फोटो प्राप्त हुआ है दोस्तों, जिसे हम आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल यह फोटो रिडिट द्वारा पोस्ट किया गया था और हाल ही में पोस्ट किया गया था। इसमें ब्रॉक लेसनर को आप ध्यान से देख लीजिए, नई बियर्ड के साथ वो नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक बनियान भी पहना है, मोटा बनियान। इस स्वेटर को देखकर लग रहा है कि यह घर में बुना है, पर ब्रॉक लेसनर ने घर में नहीं बुना होगा क्योंकि वह बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास तो कई डिजाइनर मौजूद होंगे। और जरा देखिए दोस्तों लेसनर को, साफ लग रहा है वह एक सीधे सादे आदमी है, सादा जीवन वाले आदमी है। लेसनर अपने घर में फार्मिंग कर रहे हैं, मैंने बताया था लेसनर एक किसान है दोस्तों, इसलिए अपने घर में अपने खेतों को देख रहे हैं आजकल। लेसनर को देख लीजिए दोस्तों किस तरीके से उन्होंने मोटा बनियान पहना है ताकि उन्हें जाड़ा न लगे। आप लोग भी फैशन ऐसन में मत रहिए दोस्तों, मोटे कपड़े पहनिए, काफी ठंडा हो रहा है। आदमी अपने कपड़ों से नहीं अपने काम से जाना जाता है दोस्तों, इसलिए खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। साल 2020 खत्म हो रहा है और कोविड के कारण अभी तक एरिना में फैंस भी नहीं आए हैं। अगले साल जनवरी में रॉयल रंबल होगा दोस्तों, इसके बाद रोड टू रेसलमानिया शुरू हो जाएगा दोस्तों, और हमें लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल से रेसलमानिया के बीच तक तो आ ही जाएंगे। चलिए आप चर्चा करते हैं नए साल यानी जनवरी में रॉयल रंबल 2021 के बारे में। अब यह तो दिसंबर का महीना है दोस्तों और आज है 27 तारीख, यानी जल्द ही चले जाएगा, नया साल आ जाएगा, जनवरी में रॉयल रंबल 2021 होगा। अब 2021 में रॉयल रंबल में पहले नंबर पे कौन आएगा यह मैं आपको बता देता हूँ। साल 2021 के मेंस रॉयल रंबल मैच में नंबर एक पर आने वाले हैं डेनियल ब्रायन। WWE वालों ने आधिकारिक रूप से ट्वीट करके बता दिया है कि ऐसा ही होगा। कुछ समय पहले कायला ब्रेक्सटन को दिए गए बैक स्टेज इंटरव्यू में डेनियल ब्रायन ने साफ किया था कि इस बार उनका लक्ष्य तो रॉयल रंबल मैच जीतना ही है और वह जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। स्मैकडाउन में डेनियल ब्रायन ने जे उसो का जमकर कुटान भी किया था। ऐसे में देखा जाएगा रॉयल रंबल 2021 में क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या डेनियल ब्रायन 2021 का रॉयल रंबल जीतेंगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब थोड़ी बहुत चर्चा द फिंड के बारे में भी कर लेते हैं। द फिंड को TLC मैच के दौरान वाइपर रैंडी ऑर्टन ने जिंदा जला दिया था। तब से आप लोग मेरे से बार बार कमेंट कर रहे थे कि आखिर यह स्टंट कैसे परफॉर्म किया गया, कैसे बच गए ब्रे वाइट इस खतरनाक स्टंट से, क्योंकि इस मैच के बाद ब्रे वाइट ने यह ट्वीट किया था। यह एक रहस्यमयी ट्वीट था, इस ट्वीट का क्या मतलब था, और आप लोग बार बार कह रहे थे कि मोनू भाई कैसे बच गए ब्रे वाइट, इन्हें तो जिंदा जला दिया था। और जलने के बाद ब्रे वाइट सोशल मीडिया में ट्वीट भी कर रहे हैं। आपको इन सारे राजों को जानना है तो मैंने कल ही आपके लिए वीडियो बनाया था, वीडियो देख लेना, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो जाके तुरंत देखिए, आपको हमारे वीडियो से ब्रे वाइट के रहस्यमयी ट्वीट का राज भी पता चलेगा। काफी मेहनत करने के बाद हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों, हमारा काफी रुपया पैसा खर्च हो जाता है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा।
नमस्कार।